वो घेरा मिट जाता है जिसके अंदर सपनों के देवता कैद है। वो अपने आप को वहाँ से आजाद करने के बाद एलेक्स को उसी के सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, क्योंकि उसने उनके पक्षी को मारा था। और अब वो वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि आज इतने सालों के बाद जब वो अपने सपनों की दुनिया में लौटे हैं तो उनकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं उनका वो असिस्टेंट जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है, उसे पता चल जाता है कि सपनों के देवता आजाद हो चुके हैं। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए उस लेडी के पास जाता है जो जादूगर की गर्लफ्रेंड थी, जो सपनों के देवता की तीनों चीजों को चुरा कर निकल गई थी। और वो कहता है कि मुझे वो तीनों चीजें चाहिए। वो लेडी आज भी पूरी तरह से जवान होती है। वो कहती है कि दो चीजें मैंने बेच दी और लॉकेट आज भी मेरे पास है, जिस वजह से मेरी उम्र नहीं बढ़ती। सपनों के देवता का असिस्टेंट उससे लॉकेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉकेट बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए जादूगर की गर्लफ्रेंड उस लॉकेट से उसे उसी के सपनों की दुनिया में कैद कर देती है। वहीं सपनों के देवता को दिखाया जाता है जिन्हें अपनी दुनिया दोबारा से बनाने के लिए उन तीनों चीजों की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर वो तीन शक्तिशाली देवियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी वो तीन चीजें कहाँ पर हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारी सबसे पहली चीज वो लॉकेट, वो एक लेडी के पास है जो अर्थ पर है, तुम्हारा हेलमेट नर्क में है, और तुम्हारी रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो डीमंस को भगाती है। वही हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास लॉकेट है। वो अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल में जाती है जो बूढ़ा हो चुका है। वो उसे कहती है कि जब भी ख्वाबों के देवता यहाँ पर आए तो तुम उन्हें ये लॉकेट देकर अपनी जान बचा लेना। वो अपना लॉकेट उतार कर अपने बेटे को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी होकर मर जाती है। उसका बेटा तय करता है कि वो इस लॉकेट को ख्वाबों के देवता को नहीं देगा और इसकी शक्ति से वो यहाँ पर गार्ड्स को मार देता है। वहीं ख्वाबों के देवता को दिखाया जाता है जो उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं जिसके पास रेत की सैंड की थैली है। वो एक चर्च में जा रही होती है। ख्वाबों के देवता से कहती है कि मैं चर्च से वापस आती हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और वो चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो इंसान के अंदर से डीमन को बाहर निकालती है। अब ख्वाबों के देवता भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी रेत की जो पोटली तुम्हारे पास है मुझे वापस दे दो। वो कहती है कि मेरे पास नहीं है बल्कि मेरी एक दोस्त के पास है। इसके बाद वो सपनों के ख्वाबों के देवता को अपने साथ अपने दोस्त के पास ले जाती है और जब वो घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। रेत की पोटली उसके हाथ में होती है जो ख्वाबों के देवता ले लेते हैं और इस तरह से उन्हें उनकी पहली चीज मिल जाती है। इसके बाद ख्वाबों के देवता नर्क की देवी के पास जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मेरा एक हेलमेट जो किसी ने चुरा लिया है वो नर्क में है, यही वो किसी आदमी के पास है। इसके बाद नर्क की देवी उस आदमी को बुलाती है जिसके पास ख्वाबों के देवता का हेलमेट होता है, लेकिन वो उन्हें हेलमेट देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें हेलमेट चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें हमेशा मेरा गुलाम रहकर रहना पड़ेगा। और अब ख्वाबों के देवता उसके सभी सवालों का जवाब ठीक ठीक दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें अपना जादुई हेलमेट भी मिल जाता है। और अब उन्हें तीसरी चीज चाहिए जो कि वो लॉकेट है जो उस लेडी के बेटे के पास है जो मेंटल हॉस्पिटल में था। और उसके पास ख्वाबों के देवता का असिस्टेंट जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि इंसान पूरी तरह से साइको है। और अब ख्वाबों के देवता भी उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर लॉकेट है और जैसे वो लॉकेट को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो लॉकेट उन्हें दूर फेंक देता है, क्योंकि जिस भी आदमी के पास ये लॉकेट होगा वही इसकी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाएगा। अब वो आदमी इस लॉकेट को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो इसकी शक्ति से सभी के दिमागों से खेलना शुरू कर देता है। सब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। ख्वाबों के देवता यहां पर आ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि ये लॉकेट मुझे लौटा दो, ये तुम्हारी दुनिया के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया को सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद वो उसे ख्वाबों की दुनिया में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी खुद ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है जहां पर ख्वाबों के देवता का और उसका आपस में आमना सामना होता है। वो उस लॉकेट से ख्वाबों के देवता पर हमला करता है। उनके अंदर बहुत शक्तियां होती है, इसीलिए लॉकेट की सारी शक्तियों को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद उस आदमी को उसी के सपनों की दुनिया में पूरी तरह से उलझा देते हैं, जिसके बाद असली दुनिया में दिखाया जाता है कि वो आदमी कोमा में चला गया है। ख्वाबों के जो देवता होते हैं इनकी बहन मौत की देवी होती है और अब इनके पास इनकी तीनों चीजें वापस आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ख्वाबों के देवता को अधूरापन लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी बहन मौत की देवी के पास आए होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि मैं इतने सालों तक कैद था, गायब था, कभी तुमने मेरी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। और अब मौत की देवी उसे अपना काम दिखाती है, बताती है कि मैं लोगों के पास जाती हूँ लेकिन लोग मरने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से मुझे उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए, जल्दी तुम अपनी दुनिया को दोबारा से बना दोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ख्वाबों के देवता को इससे बहुत हिम्मत मिलती है। वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ख्वाबों की दुनिया से तीन नाइटमेयर आज भी मिसिंग है और इसके लिए ख्वाबों का देवता अपने आप को जिम्मेदार समझता है। यहाँ पर वो वॉर्टेक्स के बारे में भी बात करती है, लेकिन इस बारे में ख्वाबों के देवता को पहले से पता होता है। दरअसल वॉर्टेक्स जो है वो एक लड़की है और वो ख्वाबों की दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस लड़की का नाम रोज होता है। ख्वाबों के देवता कहते हैं कि रोज पर मैंने नजर रखी हुई है, उसी की मदद से मैं अपने तीनों असिस्टेंट्स को वापस लेकर आऊंगा, उन्हें ढूंढ लूंगा। रोज का दरअसल एक भाई भी होता है जिसे किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और अब वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है। ख्वाबों के देवता ने रोज पर नजर रखने के लिए अपने रेवन को अपने पक्षी को उसके पीछे लगा रखा होता है, क्योंकि वो सिर्फ रात को जब वो सोती है तभी उस पर नजर रख सकते हैं, दिन में वो उस पर नजर नहीं रख सकते। रोज अपने एक दोस्त के साथ इंग्लैंड के एक ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है। इस ऑर्फनेज की हेड उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, उसकी लाइफ अब बहुत ज्यादा अच्छी है और ऐसी लाइफ तुम कभी अपने भाई को नहीं दे सकते। रोज अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका भाई उसे नहीं मिलता और इसके बाद वो ख्वाबों के देवता के पास जाती है। ख्वाबों के देवता उसे बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट के पास है और तुम्हें अपने भाई को ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम
जाने के बाद अपने सपनों के अलावा दूसरों के सपनों में भी जा सकती है। और अब वो सपनों की दुनिया में जाकर अपने भाई के सपनों में चली जाती है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका भाई कहाँ पर है और अब जल्द से जल्द वो अपने भाई तक पहुँचना चाहती है। अब क्योंकि वो अपने भाई तक पहुँच चुकी है इसीलिए सपनों के देवता भी अपनी पहली असिस्टेंट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अपने दो और असिस्टेंट को ढूंढना है जिसमें से एक तो वो है जो सबसे पहले उस दुनिया से यानी कि ख्वाबों की दुनिया से चला गया था। लोगों को अच्छे नहीं बल्कि बुरे ख्वाब दिखाता है और वो चाहता है कि ख्वाबों का देवता मारा जाए। और ख्वाबों के देवता का वही असिस्टेंट रोज के उसके भाई तक पहुंचने से पहले वो खुद रोज के भाई तक पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं रोज को दिखाया जाता है जो अपने भाई को लेने के लिए गिल्बर्ट नाम के एक आदमी के साथ अपने भाई के घर की तरफ निकल पड़ती है। दरअसल गिल्बर्ट ने एक बार क्लब के बाहर उसके कुछ लड़कों से जान बचाई थी इसीलिए अब वो उसके साथ है। ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोज का भाई है। गिल्बर्ट वहां पर देखता है कि ख्वाबों के देवता का वो असिस्टेंट जो कि एक बुरा असिस्टेंट है वो पहले से वहां पर होता है जो रोज के भाई को अपने साथ यहां पर ले आया होता है। गिल्बर्ट इसे देखकर भाग जाता है और यहां पर हमें पता चलता है कि ख्वाबों के देवता का जो दूसरा असिस्टेंट है वो गिल्बर्ट है और तीसरा वो जो रोज के भाई को अपने साथ ले गया है। ये बात ख्वाबों के देवता को पता चल जाती है और वो असली दुनिया में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोज और उनका वो असिस्टेंट है जो कि एक बुरा असिस्टेंट है वो रोज को अपनी तरफ मिला लेता है। दरअसल रोज के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उसकी मदद से वो एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। पर ख्वाबों के देवता को जब ये बात पता चलती है तो वो भी असली दुनिया में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपने असिस्टेंट का खात्मा कर देते हैं। रोज यहाँ से निकल चुकी होती है लेकिन ख्वाबों के देवता उसे भी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से असली दुनिया और सपनों की दुनिया के बीच में जो दीवार होती है वो बहुत नाजुक हो गई होती है और अगर ये दीवार टूट गई तो असली दुनिया और सपनों की दुनिया दोनों दुनियाएं खत्म हो जाएंगी। ये बात रोज को भी पता चल जाती है और अब सपनों की दुनिया में रोज से सपनों के यानी कि ख्वाबों के देवता मिलते हैं। उसको पता है कि वो एक वॉर्टेक्स है और अगर उसे दोनों दुनियाओं को बचाना है तो उसे अपना बलिदान देना होगा। उसे ख्वाबों के देवता के हाथों मरना होगा और इसके लिए वो तैयार है, लेकिन इससे पहले कि ख्वाबों के देवता उसे मार दे वहाँ पर वही ऑर्फनेज की हेड आ जाती है जिस ऑर्फनेज में रोज अपने भाई को ढूंढने के लिए गई थी। और ऑर्फनेज की हेड उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है और असली वॉर्टेक्स वो है। लेकिन जब ख्वाबों के देवता को कैद कर लिया गया तो वो कोमा में चली गई, इसी वजह से वक्त बदल गया और उसकी जगह उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि रोज एक वॉर्टेक्स बन गई। दरअसल ये वो वक्त होता है जिस वक्त में उसे खुद वॉर्टेक्स होना था और अब वॉर्टेक्स की शक्तियां वो रोज से ले लेती है। और अपना सेक्रीफाइस करने से पहले वो ख्वाबों के देवता को बताती है कि जब वो सपनों की दुनिया में फंस गई थी, जब वो कोमा में चली गई थी, तो वहां पर उसे कोई गोल्डन आईज वाला इंसान मिला था जिसने उसे प्रेग्नेंट किया और इसके बाद वो अपना सेक्रीफाइस करके अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा लेती है। ख्वाबों के देवता समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। उसका एक सिबलिंग होता है जिसका नाम डिजायर है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये काम उसी का है। वो मेल फीमेल किसी भी जेंडर में बदल सकता है। साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि रोज भी कहीं ना कहीं उन्हीं की ब्लड लाइन में से एक है। और अब ख्वाबों के देवता रोज को असली दुनिया में भेजकर खुद अपने सिबलिंग डिजायर के पास।